जैसे फेम की एक दूसरी साइड भी होती है, एक अच्छी साइड होती है। आपको कभी माधुरी दीक्षित होने के फायदे क्या है तो हम सबको पता है, आपको करोड़ों लोग आपको प्यार करते हैं, कभी आपको लगा कि यार माधुरी दीक्षित होने का ये एक नुकसान भी है? कोई नुकसान हुआ कभी आपको, कभी प्रॉब्लम में फंस गई हो? ऐसा नुकसान तो नहीं, मतलब कभी कभी जो मतलब ड्यूटी पे होते हैं ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं अपनी ड्यूटी। अच्छा। माधुरी दीक्षित है सामने तो मतलब सीरियसली करना चाहिए सब कुछ ऐसे। हाँ। तो ऐसे कभी कभी फंस जाते हैं हम। जब आपको डायरेक्टर ने अप्रोच किया कि फेम गेम, तो आपने उनसे बोला नहीं कि फेम तो मैं पहले, मेरे पास बहुत है, तो ये गेम में मेरे साथ क्या खेल रहे हो? मतलब किस बारे में है ये द फेम गेम? अनामिका आनंद की स्टोरी है, शी इज़ अ वेरी बिग स्टार और उनकी फैमिली लाइफ परफेक्ट है, और एक दिन अचानक वो गायब हो जाती हैं, और पूरी उनकी जो कहानी है उनके बारे में जो लोग सोच रहे हैं और जो उन्हें लगता है परफेक्ट है वो पूरा अनरैवल हो जाता है, एंड यू फाइंड आउट दैट नोबडीज़ लाइफ इज़ परफेक्ट, चाहे आम आदमी हो चाहे फेमस आदमी हो, कुछ भी हो, जो फैमिली के डायनामिक्स हैं उनके घर पर या उनके जो रिश्ते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, वो सब लाइमलाइट में आ जाते हैं और उनके बारे में सब बात करने लगते हैं, और एंड में पता चलता है कि असल क्या स्टोरी है। तो दिस इज व्हाट द ट्रैक। वाओ, मुझे पता भी नहीं चला आपने कब फिनिश कर दिया, मेरे को अच्छा लग रहा था, आप बोलिए प्लीज और कुछ बोलिए ना। और कुछ बताइए कपिल जी, आपके आंखों का कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अभी मानव कह रहे थे कुछ आंखों के मूवमेंट का, तो मैंने बोला वो मुझसे नहीं होगा, ना 27 साल पहले हुआ था ना अब होगा, तो उसके अलावा कोशिश करेंगे। आंखों का खाली ये कर सकते हैं, पता नहीं वो कैसे किया था इन्होंने, मुझे अभी भी नहीं हो रहा वो। यहाँ पे हमारे दर्शकों में कोई है जैसे माधुरी मैम आंखें घुमा रही थी, कोई कर सकता है ऐसा? जी सर। अखियां में लाल कमी अखियां ये तो मेरे जैसे कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि आंखें घूम रही है, खाली आईब्रो घूम रही है। सर जी क्या नाम है आपका? चेतन मेहता। सर मेहता साहब आप अकेले हैं साथ में? नहीं, बीवी आई है, आज माधुरी आने वाली थी इसके लिए बीवी को लेके आया। नहीं, तो बीवी आप लेके आए कि वो जबरदस्ती आई है? क्योंकि उनको है। अच्छा, तो आप दूर क्यों बैठे हुए हैं? ये प्रोटोकॉल उनके लिए जो स्ट्रेंजर्स हैं कोविड के चलते। आप तो एक ही घर में रहते होंगे कि नहीं? आई थिंक एक ही कमरे में भी रहते होंगे। दूसरों के साथ ज्यादा नजदीक बैठा हुआ है। आपकी खुद की पर्सनल बीवी है, उसमें क्या है? जी मैडम कुछ बोल रही माइक। उनको माधुरी दीक्षित इतनी अच्छी लगती है कि आपको साइड कर दिया। मैंने उनको जबरदस्ती लेके आई साथ में। अच्छा जी। तो इन्होंने क्या बोला, माधुरी जी आ रही है तुम थोड़ा दूर बैठो, ऐसे बोला इन्होंने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बताया। अच्छा, अभी आज माधुरी दीक्षित तो आज ही है ना, कल घर पे तो साथ में ही रहना है। तो आपने उनको धमकी नहीं दी कि आप माधुरी जी को देखेंगे नहीं, तो नहीं, मैं नहीं। भी संजय कपूर को देखूंगी? मैं तो आपको ही देख रही हूँ, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना। शुक्रिया। कोई भी डिप्रेशन में रहता है ना, उनको यही बोलती हूँ, सिर्फ कपिल शर्मा देख, तेरा डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा। थैंक यू मेहता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आंखें घुमाई। आप सब जानते हैं कपूर फैमिली जो है सारे स्टार्स हैं, है ना? संजय सर, अनिल सर, बोनी कपूर साहब बड़े प्रोड्यूसर हैं, जानवी है, हर्षवर्धन है, अर्जुन कपूर है। सर आपको जब आपस में कभी मिलना होता है सबने साथ में, आपस में आप डिसाइड करते हो कि कोई बड़ा प्रोड्यूसर लाना पड़ता है डेट पकड़ने के लिए? सबकी डेट कैसे मैच कर रहे हैं, ऐसे होता है सर? बुरी है ना प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की जरूरत ही नहीं एक्चुअली। अच्छा, जब माधुरी मैम के साथ संजय सर की फिल्म आई, इतनी बड़ी हिट हुई, उसके बाद आपने साथ में ज्यादा काम नहीं किया ना, एक मोहब्बत करी है ना, मोहब्बत की, तो इसकी वजह क्या है? ऐसा तो नहीं कि अनिल कपूर साहब बाहर ही प्रोड्यूसर रोक लेते माधुरी के साथ तो मैं करूंगा, ऐसा तो नहीं था कहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। देन माधुरी जी सेटल डाउन एंड शी लेफ्ट अमेरिका, देन शी डिडंट, एंड द मिनट शी केम बैक एंड शी केम टू OTT, वाह मैं फिर खड़ा हो गया। आपको पता है अनुपम खेर साहब के साथ मेरा बड़ा प्यार है, पर जब तेजाब मैंने देखी ना, उन्होंने जो आपको तंग किया, मेरे को बड़ी नफरत हो गई थी उनसे। 10 साल लगे मुझे उनकी इमेज ठीक करने में अपने मन के अंदर। अब ठीक है, अभी ठीक है ना? जी जी।
हम लोग एक बार पुलिस के लिए शो कर रहे थे तो माधुरी मैम स्टेज पे थी, मैं भी स्टेज पे खड़ा था, तो सडनली जो पुलिस कमिश्नर थे ना सारे फंक्शन में वैसे ही बैठे थे, जैसे माधुरी जी आई उन्होंने चश्मा लगा के निकाल लिया था। ऐसा होता है। सर प्रेम फिल्म जब आपकी आई थी हमने सुना कि उस समय आप 31 साल के थे, सर आपके घर में तो सारे प्रोड्यूसर, आप खुद भी प्रोड्यूसर हो, फिर आपने इतना लेट डेब्यू क्यों किया? मैं बहुत छोटा दिखता था 31 में भी, अभी भी 31 का दिखता हूँ, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं लेट शुरू करता हूँ, पहले थोड़ा बड़ा हो जाऊँ फिर एक्टर बनूंगा। एक बच्चों का सवाल है, किसी बंगाली डायरेक्टर ने आपको बोला मानव कॉल आना तो आप आज ही चले गए हो, फिर उन्होंने कहा सॉरी मैंने बोला था ये नहीं चलेगा, इट वॉज ए पुअर जॉब, ये हमने लॉकडाउन में लिखा था, उस समय हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हमारी जो मुस्कान है ये नहीं कि जिस फिल्म में काम कर रही है या सीरीज में काम कर रही है उसी में अपनी आवाज देती है, अपनी आवाज अलग अलग करेक्टर्स को भी देती है, बहुत अच्छी मिमिक्री भी कर लेती है और बहुत अच्छा गाती भी है, और कुछ हो जाए मुस्कान मैं आवाजें कुछ करूं थोड़ी, मेरा नाम मुस्कान है। मैंने आपका रिएक्शन देखा, मैं थोड़ी मैं ही डर गई। अच्छा मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। These are some different voices that I can do. There are a couple of voices that I can do. यहाँ इस शो पर आकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बात बताओ किसकी है? आइए आइए रूमा देवी। मानव सर आपके बारे में ये टैलेंट आपका अर्चना जी को पता चल गया है कि आप नदी में से जाके सिक्के निकाल लाते हो, अब अगर आपको ये कहीं इनवाइट करें ना कि कभी मड़ा लैंड आओ डिनर के लिए जाना मत। आपको पता ना कैसे आती हैं यहाँ तक? मड़ा लैंड में रहती हैं, मगरमच्छ है, सालों से इनके साथ काम कर रहे हैं, तो चार हैं टोटल ना, चार मगरमच्छ हैं और दो पे रखती हैं पैर और दो छोटे हैं जिसके चप्पू बना के ना ये। अभी वो जो नीचे वाले मगरमच्छ वो हो गए बूढ़े, ये आपको बोलेंगे दो और निकाल के लाओ फ्रेश वाले, काम भी हो शूटिंग भी हो तब नहीं जाना, मेरा काम था आगा करना।